चांद कुमार एडीजी एलओ और प्रवीण कुमार डीएम जो कि हाथरस के, विक्रांत वीर तत्कालीन एसपी, हितेश चंद्र अवस्थी डीजीपी यूपी के। तो ये पांच बड़े नाम हैं जो आज हाईकोर्ट के सामने होंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, जो कि हाईकोर्ट के बाहर ही इस वक्त मौजूद हैं। संजय, आप वहां पर मौजूद हैं, आज कितने बजे वहां पर पेशी होने वाली है हाथरस मामले को लेकर, सबसे पहले इसको लेकर जानकारी। बिल्कुल शिवांगी, आज हाथरस केस को लेकर के बड़ा दिन है, और चूंकि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस पूरे मामले को सौ मोटो संज्ञान लिया था, आज पेशी ये माना जा रहा है कि 11 के बाद जो है जो पीड़ित परिवार है वो कोर्ट में पेश होगा। उसके साथ ही साथ यूपी की सरकार के पांच बड़े अधिकारी हैं जो तत्कालीन एसपी और वर्तमान के हाथरस के जिलाधिकारी, एडीजी जो है कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार, डीजीपी हितेश चंद अवस्थी और प्रमुख सचिव अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, उनको भी इस पूरे मामले पर कोर्ट में पेश होना है। क्योंकि जिस तरीके से गांव को सीज किया गया, परिवार को बंधक बनाया गया और पूरी डेड बॉडी को बिना किसी पूर्व सूचना के रात में ही जला दिया गया, जो कि हिंदू रीति रिवाजों से पूरे तरीके से गलत था, तो ये जो ब्लंडर अधिकारियों के साथ जो है अधिकारियों ने पीड़िता के और पीड़िता के परिवार के साथ जो किया है उसका सच आज निकलेगा। उन तमाम अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं कि आखिरकार कोर्ट के सामने किस तरीके से पूरी कार्रवाई को सही साबित किया जाए और किस तरीके से ये बताया जाए कि जो भी किया गया, क्योंकि कोर्ट में जिस तरीके से हलफनामा सरकार ने जारी किए जो जमा किया है उस पर भी तमाम प्रकार के सवाल विपक्षी दलों ने तमाम जो है बिंदुवार उठाए थे, तो उनसे भी बचना होगा क्योंकि कोर्ट उन पूरे मामले को सो मोटो लिया है, तो सख्ती से जो है पेश होने वाला है। बिल्कुल, और देखिए संजय, आज ऐसी कौन सी बातें होंगी, ऐसे कौन कौन से आज मुद्दे होंगे इस केस से जुड़े हुए जिस पर आज सुनवाई कर सकता है हाईकोर्ट, और उनके जवाब देने होंगे अफसरों को भी, परिवार वालों को भी। बिल्कुल, सबसे पहले तो जिस तरीके से इस पीड़िता के साथ घटना हुई और घटना के 8 दिन तक लापरवाही बरती गई, मारपीट का मुकदमा था उसे बलात्कार, सामूहिक बलात्कार में नहीं किया गया, 307 नहीं दर्ज किया गया, बाद में केस को जो है लोगों आरोपी बढ़ाए गए, पहले दिन से नहीं बढ़ाए गए, पुलिस की पहली बड़ी लापरवाही, दूसरी आनन फानन में किस तरीके से उसको जला दिया गया, क्यों आखिर रात में, ऐसे क्या छिपाने का डर था को पुलिस को जो उसे रात में जला दिया गया, दूसरा पॉइंट, तीसरा यह कि हिंदू रीति रिवाज में किसी भी लड़की या लड़के को रात में नहीं जलाया जाता, चौथा कि किसी भी अनमैरिड डेड बॉडी को जलाया नहीं बल्कि परवाह किया जाता है, तो ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं को लेकर के कोर्ट सीधे तौर पर आरोपी मानेगा और उनसे सफाई में जवाब चाहेगा कि क्या किया गया। चौथे पॉइंट की बात करें तो लगातार 48 घंटे तक गांव को क्यों सीज रखा गया, मीडिया को क्यों नहीं जाने दिया गया, तमाम लोग जहां जाना चाहते थे उनको क्यों रोका गया, पीड़ित परिवार के साथ जिस तरीके से जिलाधिकारी ने जो है दबंगई दिखाई, उनको धमकाने का प्रयास किया, वो क्यों किया गया, तो ये ऐसे करीब आधा दर्जन से ज्यादा सवाल है जो यूपी सरकार के साथ साथ उन तमाम अधिकारियों के सरदर्द बना हुआ है कि कोर्ट में इसके जवाब में क्या जवाब वो देंगे, इसको लेकर के उनके पसीने पहले से छूट रहे हैं। पिछले शुक्रवार से लेकर के लगातार अधिकारी इस बात के लेकर के बैठक कर रहे हैं और कागज पत्र तैयार कर रहे हैं कि कोर्ट में किस तरीके से उसे जो है पेश किया जाए। बिल्कुल संजय, और देखिए आज टाइट सिक्योरिटी वहां पर आप देख पा रहे होंगे क्योंकि कड़ी सुरक्षा के बीच परिवार को आज वहां पर पेशी के लिए ले जाया जा रहा है, वहां पर सिक्योरिटी कैसे टाइट कर दी गई है अभी, और क्या वो टाइमिंग होगी जिस वक्त कोर्ट के सामने तमाम यूपी के बड़े अफसर होंगे और ये पीड़ित परिवार होगा। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को यहाँ की सिक्योरिटी के बारे में बताना चाहूंगा कि देखें किस तरीके से कि जो पूरी सर्विस लेन है हाई कोर्ट की वो शुरुआत से लेकर अंतिम तक बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसी को भी वाहन लेकर के, खास करके मीडिया को भी वाहन लेकर के अनुमति नहीं है जाने की, और आम लोगों को भी इस लेन पे आने से एकदम से मना कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन सुबह से ही चप्पे चप्पे पर यहाँ पर खड़ा किया गया है क्योंकि सख्त सिक्योरिटी के साथ परिवार वहां से निकल चुका है, क्योंकि जिला जज की निगरानी पर यहाँ हाईकोर्ट में उनकी पेशी होगी। करीब 11 बजे के बाद माना जा रहा है कि वो हाईकोर्ट में पेश होंगे, चूंकि लंबा रास्ता भी तय करना है, करीब 4 से 5 घंटे का रास्ता तय होगा, उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचेंगे, तो जब यहाँ पर पहुंचेंगे तब कोर्ट में उनकी सुनवाई होगी,
पीड़ित परिवार से पूरी बात का जायजा कोर्ट लेगा कि क्या क्या पूरा मामला था। पुलिस ने जो अपनी थ्योरी बनाई थी, पुलिस अभी जिस तरीके से लास्ट कुछ दिन पहले एडीजी प्रशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बलात्कार हुआ ही नहीं है, हाँ। पीड़ित परिवार पीड़ित लड़के के कपड़ों से या सीमेंट नहीं प्राप्त हुआ, ये तमाम सवाल है जो कोर्ट में आज अधिकारियों के लिए सरदर्द बना होगा। चूंकि आपको शिवांगी एक बात और बता दूं कि कोर्ट ने ये भी निर्देश दिए थे कि मीडिया रिपोर्ट्स जो आई हैं, हाँ। उस रिपोर्ट्स के साथ अधिकारी जिलाधिकारी तत्कालीन एसपी एसीएस होम एडीजी एलओ एंड डीजीपी उस रिपोर्ट को भी लेकर के आएंगे, क्योंकि जो सच छिपाने का प्रयास हाथरस केस में सरकार की किरकिरी कराने का जो प्रयास अधिकारियों ने किया अपनी कारगुजारियों को छिपाने के लिए, उन सब से पर्दा कोर्ट हटाना चाहता है, और यही वजह थी कि कोर्ट ने इस पूरे मामले को स्वतः संज्ञान लिया था। बिल्कुल संजय, और देखिए मीडिया रिपोर्ट्स भी एक अहम सबूत बनेगा इस पूरे केस में, और आज बड़ा दिन है हाथरस मामले को लेकर। लेकिन संजय देखिए, जब परिवार वहां पर पहुंचेगा, आपने बोला कि 4 से 5 घंटे का रास्ता, 6 बजे के आसपास वो लोग निकले वहां से, यानी कि 11 बजे तक हो सकता है पहुंच जाए, क्या उससे पहले सीएम से भी मुलाकात हो सकती है परिवार की, कि सीधे हाईकोर्ट आएगा ये परिवार? क्योंकि हाईकोर्ट के सख्त निर्देश थे कि जिला जज अपनी निगरानी पर सीधे उन्हें हाईकोर्ट लाए, तो पहले हाईकोर्ट लेके आया जाएगा। सीएम से मुलाकात की अभी कोई खबरें ऐसी शिवांगी नहीं आ रही है कि सीएम से मुलाकात होगी, क्योंकि कोर्ट पे आज हाथरस के मामले का बड़ा दिन है, न्याय का दिन है। आज ये तय होगा कि कोर्ट किस दिशा में काम करेगा। इन अधिकारी जो लापरवाही बरती गई, जो यहाँ मुख्यालय से लेकर के हाथरस तक में जिस तरीके से ग्राउंड जीरो तक जो लापरवाही बरती गई, जो सख्ती पीड़ित परिवार के साथ बरती गई, जो आरोपियों के साथ सख्ती होनी चाहिए थी वो सख्ती पीड़ित परिवार के साथ बरती गई। संजय, आप लगातार वहां पर नजर बना के रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।